है, पर जो छोटी छोटी जो डिटेल जो छोड़ देते हैं हम, वो मैं कंटेस्टेंट्स के लिए छोड़ता हूँ. यू नो, ये बाद में 2 महीने के बाद, अरे यार ये तो देखा ही नहीं, ये ऐसे कैसे कर दिया. तो वो मजा जो होता है ना, मैं जब टीवी पर देखता हूँ उसका मजा अलग होता है. कौन सा एक घर का कॉर्नर है जो आपको लगता है इस बार हाईलाइट होगा? Highlight, I think the wings will be highlighted over there. And यहाँ जब देखोगे तो विश्व सुंदरी है. And the pool हमने एक different type कर दिया, जो bridge लगा दिया है, तो that looks very beautiful. And मजा ये है कि रात का जो हमने lighting इस time किया ना, is completely different. It'll be the neonish feel आ जाएंगे, ये सब glow होने वाली है, सब पूरे जो दिख रहे हैं ना, इसके यहाँ पूरे fluorescent paint लगे हुए हैं, तो रात को बात करेंगे जैसे कि ना क्रिकेट से. And हम लोग साउंड इफेक्ट भी डालने वाले, तो वो मजा आएगा. मेन हाउस, आई थिंक द किचन स्टूड आउट वेरी ब्यूटीफुली. ओके, आई मीन पिक्चर परफेक्ट किचन है, एंड उसमें टेबल भी इतना ब्यूटीफुल है, द चेयर्स आर ब्यूटीफुल. सो ये हमने पहले नहीं किया है, तो देखने के लिए ना. एंड द मिरर्स हमने पहले ऐसे लगाए नहीं थे, मिरर दिख रहे हैं हम लोग जो अंदर है. ये मिरर किचन ब्यूटीफुली स्वैंक, ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट मच कलर्स, एंड से एक रेड स्टैक, आई थिंक दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट. मेन हाउस बेडरूम इज अ नाइस स्वैंकी थिंग. ओके, इट्स येलो एज द थीम, एंड एनिमल्स ऑल ओवर. देर आर दीज पीपल हु आर गेटिंग आउट, एज इन दीवार में घुसे हुए हैं तो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब अगर जाके देखोगे तो वो सब देखना. ओके, सॉरी, हाँ, वॉशरूम एक ही है. वॉशरूम इज द जंगल थीम, एंड दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ यू नो अंदर जाते, बिकॉज इतना टॉकिंग होता है, इतना प्ले यू नो बात करते हैं उधर, मेसी भी कर देते हैं, तो लगेज एरिया भी है, बट हाँ जंगल थीम कंटिन्यूड ओवर देयर है. तो बाथरूम भी वैसे ही है, एंड ब्यूटीफुल लैम्प्स ओवर देयर, द रूट्स आर क्लाइंबिंग ऑन टॉप, यू नो. तो और उसमें भी वेलीज जो गए हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस. Umang, if you have to rate the house, how much score would you give them? From 100 to 100. It's I think it's the beautiful, the best set that we've done so far. Thank you so much. Thank you. तो वापस एक बार फिर से बिग बॉस आने वाला है, जिसके लिए आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो आ गया है. तो आइए चलिए हम आपको बिग बॉस का घर दिखाए. इस बार का थीम है पहले लूट लूटने वाला, ये ले लिया ना बंदर वंदर. एक मिनट, वो भी देख. बेडरूम के लिए नहीं, नहीं अंदर ही जा रहे हैं ना अभी. नहीं मैं रुक गया. I like your shoes, huh?
Woman, I just need. So this is a small living area. You can see again the entire wings out there. वो भी उन्होंने पूरा add करने की कोशिश की है. छोटा सा sitting place है, but cute corner, which can be added attraction के रूप में हो सकता है. Now let's move to the place जो है bedroom. अच्छा बना है, सॉलिड है यार. नहीं सलमान को से लगा है, पीछे आएगा ना. चल अंदर ही चलते, फिर ये इधर आते. फिर फटाफट फोटो सेशन कर लेते हैं. शॉट्स ले लिया ना, चलेगा. खत्म करके आता हूँ मैं आपको. हाँ और ये सारी फेसेस देन पिकॉक, वहाँ भी पिकॉक. एंड अगेन ये लॉक करके पता नहीं कितने रहस्य छुपाए हैं बिग बॉस 15 में, और हर एरिया को, कुछ एरिया को लॉक करके रखा है. नहीं देखने दे रहे हैं, बट आई एम श्योर ब्लॉग किया है तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, या तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा या तो रिवील नहीं कर दूँ, या दो ही चीज़ें होंगी. एंड अगेन देयर आर यार. दिव्या जी कौन है? बहुत ही क्लासिक तरीके से डेकोर किया जाएगा.